हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीमर टाइमन अभिक्रिया, या जिसे हम कहते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल चैप्टर का ये रिएक्शन है। फिनॉल चैप्टर में और भी बहुत सारे रिएक्शन है, जो कि आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में सारे रिएक्शन जो है वो मिल जाएंगे। तो चैनल में जाकर के आप एक बार चेक जरूर करें। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रीमर टाइमन रिएक्शन। आज हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को मैकेनिज्म लिखना बहुत जरूरी है। 11-12 तक तो आप केवल रिएक्शन जो है वो लिखते थे, बट आपको बीएससी में इसका मैकेनिज्म भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलेंगे। और यकीन मानिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है और बहुत ही ईजी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रीमर टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया हुआ है फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, बेंजीन में जो है वो OH ग्रुप जो है वो जुड़ा रहता है। तो ये तो हो गया आपका फिनॉल। इसको हमें रिएक्शन कराना है NaOH और CHCl3 के साथ। मतलब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जली NaOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से हमें सैलिसिलडिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड में आप ये देख रहे हो कि फिनॉल के ऑर्थो पोजिशन पे CHO जो है वो आकर के जो है वो जुड़ जाता है। तो आखिर इसके बीच का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये NaOH और CHCl3 को जब हम लोगों ने गर्म किया तो ये जो फिनॉल है वहां पे CHO आकर के जो है वो इसके ऑर्थो पोजिशन में जो है वो जुड़ गया है। इन्हीं सब बारे में आज हम स्टेप वाइज जो है वो इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो ये तो हुआ आपका रीमर टाइमन रिएक्शन, जिसका आपको रिएक्शन इस प्रकार से लिखना है। फिनॉल के साथ आपको NaOH और CHCl3 को 60 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो गर्म करना है। लास्ट में हम इसमें H+ भी जो है वो ऐड करते हैं और हमें मिल जाता है सैलिसिलडिहाइड। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ, मतलब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये जो गाइस आपका सैलिसिलडिहाइड है उसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। ऑर्थो इस कारण कहते हैं क्योंकि जो CHO है वो आपके बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है वो कहते हैं और इसे हम सैलिसिलडिहाइड भी कहते हैं। तो अगर आप एग्जाम में सैलिसिलडिहाइड भी लिखते हो तो वो भी जो है वो सही होगा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है गाइस। फिनॉल को हम लोगों ने NaOH CHCl3 के प्रेजेंस में जो है वो गर्म किया और हमें सैलिसिलडिहाइड जो है वो प्राप्त हो गया। ये तो हुआ इसका केमिकल रिएक्शन और डेफिनेशन। अब हम मेन आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि आखिर ये जो फिनॉल है वो सैलिसिलडिहाइड जो है वो कैसे बना। इसी मैकेनिज्म को हम स्टेप वाइज जो है वो देखेंगे। तो मैकेनिज्म में हम जो है वो 3 स्टेप को जो है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे NaOH और CHCl3 का जो है वो रिएक्शन कराते हैं। NaOH और CHCl3 का जो रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमें इंटरमीडिएट जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको हम फिनॉल में जाकर के जो है वो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इस स्टेप में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, NaOH और CHCl3 का जो है वो रिएक्शन कराना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। NaOH को अगर हम देखें तो ये जो NaOH है वो Na+ और OH- जो है वो देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, Na में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और OH में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो हमें मिल गया OH-। अब ये जो OH- है वहां पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। OH- का रिएक्शन जब हम CHCl3 के साथ कराते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, OH के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म जो है वो ट्राइक्लोरोमेथिल कार्बेनियन जो है वो बनाता है। जब हम इस OH- का, OH- तो आपको पता ही चली गया कहाँ से आया हुआ है OH-, NaOH जो है NaOH जो है वो Na+ और OH- जो है वो देते हैं। तो ये जो OH- जब इस CHCl3 के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे, सो गाइस CHCl3 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे फैला करके लिखी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कार्बन के साथ जो है वो 3 क्लोरीन एटम जो है वो जुड़े हुए हैं CHCl3। तो इसे हम लोगों ने इस प्रकार से जो है वो लिख दिया है। अब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, OH- के साथ। OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है, आपके H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये H में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये जो H है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं।
कार्बन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण हाइड्रोजन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो OH है वो H के साथ जो है वो जुड़ करके वाटर बन जाएंगे, मतलब H2O के रूप में यहाँ से वाटर के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना हुआ। अब आपके पास क्या बचा, CCl3। सी में जो है वो निगेटिव चार्ज है तो आपका ये बन जाएगा CCl3, जिसे हम कहेंगे ट्राई क्लोरो मेथिल कार्बेनियम। कार्बेनियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज है। ट्राइक्लोरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो 3 है। तो ये आपका बन जाएगा ट्राइक्लोरोमेथिल कार्बेनियम। ठीक है गाइस, उसके बाद इतना हुआ। अब क्या होगा, ये जो CCl3 है जिसमें कार्बन में ऑलरेडी जो है वो निगेटिव चार्ज है, यहाँ से एक Cl2 जो है वो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है वो बाहर निकल जाएंगे, Cl- के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ये जो आपके कार्बन में जो आपको निगेटिव चार्ज शो हो रहा है वो अब जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो लगा हुआ था, अब उस इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन जो है वो निकल करके जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, Na+ जो आपका यहाँ पे बचा हुआ था, ये मान के चलिए Na और जो Cl है वो आपस में मिल जाएंगे, NaCl के रूप में जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर हो जाएंगे और आपके पास केवल बच जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मूला क्या होता है, CCl2। तो ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा बन गया। अब हमारा बन गया CCl2। अब इसका क्या होगा, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में अपने मैकेनिज्म में क्या देखा था, NaOH और CsCl3 का हम लोगों ने रिएक्शन पूरा फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा है मैकेनिज्म में। हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, CCl2। अब ये जो CCl2 यहाँ हमारा बना हुआ है CCl2, वो जो है वो इस फिनॉल के साथ आकर के जो है वो अब जुड़ेंगे। पहले स्टेप में तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कम्प्लीट हुआ, दो स्टेप और बचा है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वो जो आपका CCl2 जो आपका बना हुआ है प्रोडक्ट, वो जो है वो फिनॉल के साथ आकर के जो है वो जुड़ेंगे। अब सेकेंड वाला हमारा जो स्टेप होगा उसमें पूरा फिनॉल का जो है वो रोल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है बेंजीन में जो है वो OH जो है वो जुड़ा हुआ है, O में जो है वो निगेटिव चार्ज है और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से H+ को जो है वो बाहर निकलना होगा, तभी ये जो CCl2 है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ेंगे। तो H+ जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इसे बाहर निकालने के लिए हमें इसमें मिलाना होगा NaOH। फिर से हम इसमें NaOH को जो है वो मिलाएंगे, तो NaOH का ये जो OH- है, ओके, ये जो OH- है वो इस H+ के साथ आकर के फिर से वाटर का मॉलिक्यूल बन के जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो H+ है वो आपका यहाँ से जो है वो निकल चुका है। बेंजीन रिंग में केवल आपके जो, मतलब जो फिनॉल है वहां पे आपका केवल O- जो है वो यहाँ पे बच गया है, O- यहाँ पे बचा है और ये Na+, मतलब ये एक प्रकार का आपका सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो बन गया, बट यहाँ पे Na को हम नहीं लिख रहे हैं, केवल यहाँ पे O- को ही मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो लिखा हुआ है। अब क्या होगा गाइस, ये जो आपका CCl2 जो लास्ट में हमारा फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना था ना CCl2, वो जो है वो इसके साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे, मतलब ये जो है उसके ऑर्थो पोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। ये जो आपका CCl2 है वो इसके ऑर्थो पोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ेंगे, बट ऐसा क्यों जुड़ेंगे वही चीज हम देखेंगे। देखिए, O में जो है वो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब आप क्या समझते हो कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की, मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन है इनके पास इलेक्ट्रॉन की मतलब कमी नहीं है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को जो है वो डोनेट कर देंगे कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रख लो। मतलब यहाँ पे कार्बन है ना, मतलब सभी रिंग, मतलब सभी कॉर्नर में कार्बन प्रेजेंट रहता है, इतना तो आपको पता ही है ना गाइस। कार्बन में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़े रहते हैं, वो भी आपको पता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे, तुम इलेक्ट्रॉन को तुम जो है वो रख सकते हो, ताकि मेरे ऊपर ये जो निगेटिव चार्ज है वो कुछ देर के लिए हटेगा, तुम जो इलेक्ट्रॉन है उसे तुम रख लो। ऐसा करके कार्बन को जब कहेंगे तो कार्बन को ये लगेगा कि मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं कार्बन के, अब 5 बॉन्ड तो ये बना नहीं सकते कार्बन। तो ये कार्बन क्या करेंगे, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे आगे ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे वाले जो कार्बन है उसको बोलेंगे अरे तुम रख लो, मेरे पास तो इतने सारे बॉन्ड है, मैं मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करूंगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आकर के जो है वो
शिफ्ट हो जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को रेजोनेंस में समझाया हुआ था। फिनॉल का जब हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा हुआ था तो उसे मैंने आप लोगों को यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रिंग में जो है वो घूमते रहते हैं, कहीं माइनस चार्ज कहीं पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आ गया, मतलब कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला आपका बॉन्ड देख रहे हो वो जो है मतलब यहाँ पे जो है वो ओ के बीच जो है वो डबल बॉन्ड बन जाता है और ओ का जो निगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है क्योंकि ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर दिया है। इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज आ गया कार्बन के पास। अब क्या होगा, ये जो CCl2 है मतलब जो यहाँ पे जो आप CCl2 देख रहे हो वो जो है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। अब क्यों जुड़ेंगे, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कार्बन है उसमें से जो निगेटिव चार्ज है वो हट चुका है, मतलब इनके पास अभी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और CCl2 जो है वो यहाँ पे इसके ऑर्थोपोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। आगे का स्टेप हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपका CCl2 है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ गए हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े रहते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ आकर के जो है वो कंबाइन होना चाहेंगे। उसके लिए क्या होगा, H और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है उसे जो है वो शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये कहिए कि अपने इलेक्ट्रॉन को इनको जो है वो डोनेट कर देंगे, दान में दे देंगे, मतलब अपने जो है वो बलिदान दे देंगे आप ये कह सकते हो। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है वो इसके साथ CCl2 के साथ आकर के जो है वो जुड़ेगा और अपना बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे का जो कार्बन है वो वापिस इस ऑक्सीजन को उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे कि भाई तुम अपना ऑक्सीजन तुम अपने पास ही रखो और ऑक्सीजन में जो है वो फिर से निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा और ये जो आपका एच है वो इस कार्बन के साथ जो है वो जुड़ जाएगा और आपका इस प्रकार से जो है वो बन जाएगा CHCl2। इतना आप लोगों को समझ आया। सो गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये जो आपका फिनॉल है वहां से H+ जो है वो निकला है, CCl2 जो है वो इसके ऑर्थोपोजिशन पे आकर के जुड़ा हुआ है। ऑर्थोपोजिशन पे जब ये जुड़ने के लिए आए हैं तो यहाँ पे आप देखते हो H भी है, H जो है वो फिर से इनके साथ आकर के जुड़ जाते हैं और लास्ट में आपका ये प्रोडक्ट बनता है CHCl2। O में जो है वो माइनस चार्ज तो है ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर से उनको वापस मिल चुका है ऑक्सीजन को। CHCl2 जो है वो आकर के इसके साथ जो है वो आकर के जुड़ गया। ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप। अब हम आते हैं इसके थर्ड स्टेप में। ओके, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसी को ही लिखना ज्यादा अच्छा समझा ताकि आप लोग इसको अच्छे से जो है वो समझ सको। एक्चुअल में ये CHCl2 ही बना है बट मैं इसको इस प्रकार से लिख रही हूँ गाइज। ओके देन फिर से हम देखते हैं, फिर से हम इसका रिएक्शन जो है वो 2NaOH के साथ जो है वो कराते हैं। 2NaOH मतलब दो सोडियम है और दो OH है। ओके, तो ये जो दो OH है वो दो OH जो है वो कार्बन के साथ आकर के जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, मतलब इस प्रकार से दो OH जो है वो कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और ये जो दो Na है वो Cl के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। तो NaCl और NaCl मतलब दो NaCl यहाँ से जो है वो बाहर हो जाएगा। इतना आपको समझ आया, दो Na है दो Cl है, दो Na जो है वो दो Cl के साथ जुड़ करके NaCl बनेंगे और NaCl के रूप में ये जो Cl है वो यहाँ से जो है वो हट जाएगा और ये जो आपका दो OH बचा हुआ है वो कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हो C के साथ H तो जुड़ा ही हुआ है, C के साथ H जुड़ा हुआ है, उसके साथ दो OH जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे। और आपको इतना पता है कि जब दो OH रहते हैं तो ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं और ये वाटर के रूप में जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो H और OH वाटर का रूप लेकर के माइनस एच टू ओ हो गया और यहाँ से एच ओ एच जो है वो निकल गया। अब हम रिएक्शन के काफी करीब पहुंच चुके हैं, प्रोडक्ट जो हमारा सैलिसिलडिहाइड है उसके काफी नजदीक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपका एच टू ओ जो है वो निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, सी एच ओ, ओ में जो है वो माइनस चार्ज है, सी एच ओ आपका बना। अब माइनस चार्ज ओ एच हमको यहाँ पे लाना है, हम यहाँ पे एच प्लस जो है वो एड कर देंगे, प्रोटोन यहाँ पे हम एक एड कर देंगे, आपका बन जाएगा वापिस ओ एच और सी एच ओ, बन गया आपका सैलिसिलडिहाइड। यही मैकेनिज्म हम समझने वाले थे ना कि कैसे फिनॉल में जब हम NaOH और CHCl3 मिलाएंगे तो सैलिसिलडिहाइड जो है वो बनेगा, तो बन गया हमारा सैलिसिलडिहाइड। फिनॉल में जब हम लोगों ने NaOH और CHCl3 को जब हम लोगों ने गर्म किया 60 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा सैलिसिलडिहाइड जो है वो फॉर्म हुआ है।
इसी मैकेनिज्म को हम लोगों ने तीन स्टेप में जो है वो समझा है। पहले स्टेप में हम लोगों ने NaOH और CaCl3 को जो है वो रिएक्शन कराया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था उसको जो है वो फिनॉल के साथ जोड़ दिया। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, H+ को जो है वो यहाँ पे एड किया, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना था CaCl2 उसके साथ हम लोगों ने H+ को जो है वो एड किया। कंटिन्यू यहाँ से कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते जा रहे थे, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हुआ गाइस आज का आपका टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए, मतलब लास्ट तक मेरा वीडियो देखे हो तो आपको आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी रिएक्शन के मैकेनिज्म आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे गाइस, सो चेक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।